ओके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेट स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर दैट इज अबाउट टू ड्रॉ थ्री व्यूज ऑफ हेक्सागोनल हेड नट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें क्वेश्चन दिया गया है कि ड्रॉ करें, ड्रॉ थ्री व्यूज ऑफ 1.5 इंच नॉमिनल डायमीटर ANS हेक्सागोनल नट। ठीक है ना, ANS मींस अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना, तो 1.5 इंच नॉमिनल डायमीटर हेक्सागोनल हेड हमने बनाना है। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट वी शुड नो अबाउट सम बेसिक्स ऑफ नट। अच्छा, अगर आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपको कहा गया हो कितने डायमीटर का आपने हेक्सागोनल नट बनाना है, तो सबसे पहले याद रखें कि आपको ये जो डी की वैल्यू दी गई होती है, दैट डी दिस इज द डायमीटर ऑफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट विच विल बी इंसर्टेड इन दिस नट। ठीक है ना, तो जो 1.5 इंच डायमीटर का जो बोल्ट है वो इसमें इन होगा, तो इसका जो ये डायमीटर है ये 1.5 इंच है। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको अगर डायमीटर दिया गया है तो उसके लिए आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है बिफोर ड्राइंग दिस व्यूज। ठीक है ना, जिसमें अगर आप देखें, सो लेट दिस इज गिवन दैट दिस इज गिवन दैट डी इज द डायमीटर ऑफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। सो नाउ यू हैव टू स्टैंडर्ड्स, टू टेबल्स, टेबल 2.41 एंड टेबल 2.24.2। ठीक है ना, द वन इज अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड डायमेंशन, द सेकेंड वन इज रफ रूल डायमेंशन। ठीक है, अच्छा अगर आपको डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर दिया गया है तो इस टेबल को देखते हुए आपने ये चारों चीजें कैलकुलेट करनी है। कुछ दी हुई है और कुछ आपने कैलकुलेट करनी है। जैसे नंबर वन पे है हाइट और थिकनेस ऑफ नट विच इज रिप्रेजेंटेड बाई टी, थिकनेस ऑफ नट। दिस इज द नट एंड यू कैन सी दैट दिस इज द थिकनेस, दिस इज टी। क्लियर, नाउ दिस टी इज गिवन दैट दिस टी इज इक्वल टू डी, मीन्स कि अगर आपका जो भी डायमीटर है नॉमिनल डायमीटर है तो थिकनेस भी उसके बराबर है। इन आवर केस जो क्वेश्चन था d इज इक्वल टू 1.5 इंच, ठीक है ना, तो दिस t विल बी आल्सो इक्वल टू d। क्लियर, अच्छा एक चीज याद रखें, यहाँ पे ये सारी चीजें मिलीमीटर में है, सो बेटर इज टू इफ यू हैव बीन गिवन डायमीटर एज इन इंच, सो कन्वर्ट इट इनटू मिलीमीटर। सो 1.5 इंच मल्टीप्लाई बाय 25.4 will give you what? क्या कैलकुलेट करें, क्या निकलता है? ये निकलता है 38.1 मिलीमीटर। क्लियर, सो फर्स्ट थिंग इज द हाइट और थिकनेस ऑफ नट विच इज 38.1। ये मैं पीछे अभी स्लाइड्स पे कराऊंगा अभी। द सेकेंड थिंग इज विड्थ अक्रॉस फ्लैट। ठीक है ना, दो चीजें हमारे पास, एक है विड्थ अक्रॉस फ्लैट, मैं इधर लिख देता हूं, वन इज width across flat and the second thing is width across corner। एक width across flat यहां पे दिया हुआ है और width across corner नहीं दिया गया। इसको समझे कि width across flat क्या है और width across corner क्या है। So this is the board, this is the nut। ठीक है ना, और ये इसके व्यूज हैं, ये टॉप व्यूज हैं। अगर आप इसको टॉप में देखें इस तरह, तो ये जो देखें ये वाला ये सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है। ठीक है ना, और इसी तरह यहां पे भी जो है ये फ्लैट सरफेस है। या अगर आप यहां इस ये फ्लैट सरफेस लेते हैं, ये लेते हैं, जोन सा भी लेते हैं, लेकिन दो फ्लैट सरफेस के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज विड्थ अक्रॉस फ्लैट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। इस तरह अगर यहां देखें तो ये एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है ना, और ये एक फ्लैट सरफेस है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। नाउ दिस डब्ल्यू इज नोन एज विड्थ अक्रॉस फ्लैट। द सेकंड थिंग इज विड्थ अक्रॉस कॉर्नर। विड्थ अक्रॉस कॉर्नर क्या है कि आप लेट्स से ये कॉर्नर है, ठीक है ना, और ये कॉर्नर है, तो इन कॉर्नर के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज विड्थ अक्रॉस कॉर्नर।
ठीक है ना। अब विड्थ अक्रॉस फ्लैट को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे W इज इक्वल टू 1.5D + 3। तो आपके पास डायमीटर है, आपने इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 3, तो आपके पास ये सर्कल जो आपको दिख रहा है इनर सर्कल, ये बेसिकली इसका डाया निकल आता है और इस डिस्टेंस को हम कहते भी हैं विड्थ अक्रॉस फ्लैट। क्लियर? यहां तक किसी को समझ ना आई हो? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। बास बुक्स में जो है विड्थ अक्रॉस कॉर्नर के लिए भी फार्मूला दिया हुआ है, बट वी डू नॉट नीड विड्थ अक्रॉस कॉर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग द व्यूज ऑफ दिस हेक्सागोनल हेड बोर्ड। वी विल सी हाउ वी डू नॉट नीड दिस विड्थ अक्रॉस कॉर्नर। सो फर्स्ट थिंग यू कैलकुलेटेड इज द हाइट और थिकनेस ऑफ नट, द सेकेंड थिंग इज विड्थ अक्रॉस फ्लैट, एंड द थर्ड थिंग दैट इज गिवन इज एंगल ऑफ चैम्फर। नाउ व्हाट इज चैम्फर? फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू एजेस, वन दिस एज एंड वन दिस एज, नाउ यू माइट नोटिस दैट व्हेनेवर देयर आर टू एजेस दैट आर इंटरसेक्टिंग, सो देयर विल बी अ शार्प एज ओवर हियर। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस शार्प एज वी गिव चैम्फर। नाउ चैम्फर इज लाइक दैट, आप इस तरह देते हैं, तो ये शार्प एज जो है इसको आप रिड्यूस कर देते हैं इस तरह, इसे हम कहते हैं चैम्फर। एक होता है फिलेट। फिलेट में क्या होता है कि आपके पास जो दो शार्प एजेस हैं उसके एंड पे आप एक इस तरह रेडियस दे देते हैं, ठीक है ना, इस तरह गोलाई दे देते हैं ताकि वो शार्प एज ना हो। इससे जो है वो उसकी एस्थेटिक भी अच्छी लगती है और दूसरा ये कि एज भी जो है वो शार्प नहीं रहता, तो इसको हम कहते हैं फिलेट। ये आप लोग उसमें पढ़ेंगे, क्या नाम है, ऑटोकैड में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो एंगल ऑफ चैम्फर दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री। नाउ ये एंगल ऑफ चैम्फर क्या है? ये एंगल ऑफ चैम्फर अगर आप देखें इस नट पे, तो ये जो सर्कल है, ये वाली सरफेस है, ये फ्लैट है, लेकिन ये वाली जो इसके साथ सरफेस है ये चैम्फर हुई है, ये 30 डिग्री पे, ये देखें यहाँ पे ये 30 डिग्री पे चैम्फर हुई है, ठीक है ना। तो ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है जिसमें आपने चैम्फर करना है। ये भी हम आगे जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह। द फोर्थ थिंग इज रेडियस ऑफ चैम्फर। नाउ व्हाट इज दिस रेडियस ऑफ चैम्फर मीन? सो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो नट है इसका जो ये रेडियस है, ठीक है ना, ये या ये इधर अगर आप इसको अगर थोड़ा जूम इन कर लें, ये वाला जो रेडियस है, ये वाला ये जो आर है, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ चैम्फर, जो कि आपने नट में देनी है, ठीक है ना। और ये रेडियस ऑफ चैम्फर किस चीज के बराबर है? दिस इज आर इज इक्वल टू 1.4D, ठीक है ना। सो फोर्थ थिंग यू माइट नो, यू हैव बीन गिवन डायमीटर, एक मिनट लेट मी सिलेक्ट, thickness. Okay, so you have been given nominal diameter D is equal to 1.5 inch, clear, which is equal to 38.1 millimeter. Sorry, मैंने यहां लिखना है, चले यहां पे लिख देते हैं या यहां इस पे लिख देते हैं. Okay, D is given as 1.5 inch. So D is equal to 1.5 inch, which is equal to 38.1 mm. So first thing आपने जो calculate करनी है वो क्या है? बताएं. Thickness of nut. So thickness of nut will be equal to what? उसके लिए क्या formula है? यही है फॉर्मूला, यस सर। 1.5, सॉरी, थिकनेस टी इज इक्वल टू डी है, थिकनेस इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स डी, सही है। तो जब आपके पास 1.5 से आप मल्टीप्लाई करें 38.1 को, क्या निकलता है?
हाँ अच्छा, एक चीज आप नोट करें आप लोग भी, थिकनेस जो है वो डी के ही बराबर है, ठीक है ना? तो आप जरा थोड़ा इसको, थोड़ा आप भी जागे, ठीक है ना? सो थिकनेस ऑफ नट इज सेम एज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट. थिकनेस ऑफ नट इज इक्वल टू डी विच इज इक्वल टू 38.1 मिलीमीटर. तो आपने थिकनेस निकाल दी. सेकेंड थिंग इज व्हाट? विड्थ अक्रॉस फ्लैट जो किस चीज के बराबर है? 1.5 टाइम डी प्लस 3 mm. क्या निकलता है इससे? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 38.1 प्लस 3 mm. कैलकुलेट करें क्या निकलता है इससे. हाँ क्या निकलता है बच्चे? यार 171 कहाँ से निकलता है? 38.1 को मल्टीप्लाई करो 1.5 से और उसके साथ 3 ऐड सॉरी करो, सर मेरा वो 60.15. 60.15 mm. क्लियर? सो दिस इज W, विड्थ अक्रॉस फ्लैट. ये भी आपने निकाल दिया. थर्ड थिंग इज एंगल ऑफ चैम्फर, वो कितना है? 30 30 डिग्री, ठीक है ना? एंड द फोर्थ थिंग इज रेडियस ऑफ चैम्फर, वो कितना है? ठीक है, वो निकलता है 53.34 mm. तो ये चारों की चारों चीजें आपके पास निकल आई, ठीक है ना? क्लियर? यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? एक्सक्यूज जी. मी सर, सर ये एंगल ऑफ चैम्फर हमेशा सर 30 होगा या नहीं, चेंज भी हो सकता अगर आपको दिया गया हो 45 तो आप फिर 45 करें, लेकिन फिलहाल इसी स्टैंडर्ड में ये 30 डिग्री है. सर? मतलब ये रूल पे डिपेंड करते हैं, मतलब कौन से सिस्टम है सर? ये स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, इस ANS स्टैंडर्ड जो है ना, इसमें इसका जो एंगल ऑफ चैम्फर है वो 30 है. ओके यहां तक क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आप लोग, आप लोग रेडी हैं? आप लोग के पास पेंसिल और कागज है? क्योंकि मैंने दरमियान में आप लोगों से ये आपकी फिगर्स भी चेक करनी है कि आप ठीक बना रहे हैं कि नहीं. सही? शुड वी मूव फॉरवर्ड? यस सर। ओके, सो नॉमिनल डायमीटर वाज गिवन टू यू एंड यू हैव कैलकुलेटेड दिस फोर थिंग्स, ठीक है ना? सो बेस्ड ऑन दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू ड्रॉ द थ्री ऑर्थोग्राफिक व्यूज ऑफ हेक्सागोनल हेड नट यूजिंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है ना? सो लेट स्टार्ट विद दैट. तो पहला स्टेप है जो आप अपनी कॉपीज में करेंगे. सबसे पहले आप एक करें इस तरह के, सबसे पहले आप एक पेज है, जैसे कि ये आपका पेज है, ठीक है ना? ये फोर साइज का पेज है. तो आपने ऊपर वाली सरफेस पे, मतलब इस दरमियान में, बिल्कुल कॉर्नर से नहीं स्टार्ट करना, कुछ पेज छोड़ के जिस तरह यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप एक हॉरिजेंटल एक्सिस ड्रॉ करें और फिर एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करें. इस तरह ये ड्रॉ करें, सिर्फ एक्सिस ड्रॉ करें, एक इस तरह हॉरिजेंटल एक्सिस ड्रॉ करें, बिल्कुल हॉरिजेंटल हो, और ठीक है, और फिर वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करें. ड्रॉ कर लें तो फिर मुझे बताएं. और काइंडली जरा क्विक करें, ठीक है ना?
ताकि हम आगे आगे काफी सारी चीजें रहती हैं। गाली है आप लोगों ने, यस सर। ओके। नाउ कीपिंग दिस पॉइंट एज अ सेंटर एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 38.1, तो आपके पास इस तरह ये बन जाएगा। आप सेंटर पे रखें और प्रकार से 38.1 डायमीटर, अगर आप प्रकार ओपन करते हैं तो आप 38.1 को डिवाइड करें 2 पे, आपके पास रेडियस आ जाएगा। नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस सर्कल, ये ड्रॉ करें फिर मुझे बताएं। कीपिंग रेडियस, डायमीटर जो है वो उसका 38.1 होना चाहिए मिलीमीटर, या रेडियस जो है वो 38.1 डिवाइड बाय 2 होना चाहिए जो कि 19.5 आता है। ये सर्कल ड्रॉ कर लें फिर मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूं कि क्यों सर्कल ड्रॉ करते हैं। अच्छा एक और चीज की, ये अभी जो हम बनाने जा रहे हैं दैट इज द टॉप व्यू ऑफ दिस हेक्सागोनल हेड नट, ठीक है ना। तो टॉप में आपको इस तरह की कोई फिगर दिखेगी, ठीक है ना, तो जो अभी हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। सर्कल बना लिया आप लोगों ने, जी सर्कल बना लिए? यस सर डन। अच्छा अच्छा हमने ये सर्कल क्यों बनाया, क्योंकि अगर आप देखें सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाया और वर्टिकल एक्सिस, ताकि ये दोनों इंटरसेक्ट हो और हमें एक सेंटर पॉइंट मिल जाए। इस सेंटर पॉइंट पे हमने प्रकार को, प्रकार या कंपास का एक एंड रखा और रेडियस 19.5 का एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है ना। और अब अगर देखें तो ये सर्कल जो है ना, ये अगर इस पॉइंट से सर्कल का ये जो है और इस पॉइंट तक का ये डिस्टेंस क्या था, कोई बता सकता है ये डिस्टेंस कौन सा था? अच्छा यहां पे वन थिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सर्कल रहने दें, ठीक है, ये जो आपने 38.1 का बनाया ये रहने दें, ये लगा रहे, ठीक है ना। लेकिन अब एक और सर्कल बनाएं जिसका डायमीटर हो 60.15 डायमीटर हो, रेडियस हो, इसको 2 पे डिवाइड करें तो 30.75 समथिंग निकलता है, वो ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद फिर मुझे दिखाएं, और वो ये वाला सर्कल होगा, ठीक है ना। आपने जो 38 का बनाया वो अगले स्टेप्स में है, वो यहां पे कहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये जो अभी सर्कल आप बना रहे हैं ये वो W है, विड्थ अक्रॉस फ्लैट है, ठीक है ना, और दैट विल बी 60.15 mm। ये ड्रॉ करके बताएं मुझे जरा, आई एम वेटिंग, शो करें फिर मुझे सब। सर ये सेपरेट बनाए उसी पे बनाया, कीपिंग द सेंटर, कीपिंग दिस एज अ सेंटर with radius divide by this value, ठीक है ना। तो आपके पास ये सर्कल आ जाएगा, ये बना के दिखाएं मुझे।
हाँ सही है, गुड। अच्छा ये आपने जो ये कौन है, ये है मुराद अली। मुराद अली, जरा इसको जो आपने सेंट्रल लाइंस बनाई, ये सेंट्रल लाइन नहीं है, ये विजिबल आउटलाइन है। तो सबसे पहले इस सेंटर लाइन को ठीक करें। शाबाश जी, आगे और बताते जाएं जिन्होंने बना लिए हैं। मोहम्मद जवाद आप शो करें, मुराद अली, आशान, गुलाम मुस्तफा, याहिया सिकंदर, फारूक अहमद, जब्बार, सरोश इकबाल, सब ये अपने अपने फिगर जो बनाई हैं वो शो करें। अच्छा आपको मैंने कहा भी था कि अब आप ये इसको गुलाम मुस्तफा आप पूरी फिगर शो करें, पूरा पेज। ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम इस तरह कॉपी पे ना बनाए, ठीक है ना, कोई एक बिल्कुल पेज अलग करके किसी बोर्ड पे रख के, क्योंकि अभी आपने और चीजें भी बनानी है इसके नीचे। ओके सर। अच्छा उस्मान सैफुल्ला जी, जरा नजदीक कर बच्चे, ये आपने सेल्फी वाला कैमरा जो है ना, इसको वो दूसरे वाला टर्न करें कैमरे को, तो वो वाली सही पिक्चर नजर आएगी, बैक कैमरा। साद शौकत, मोहम्मद साद शौकत, अरे अब जल्दी करें, ठीक है ना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सर्कल बनाना है ना। मैंने इस पे आपकी मार्किंग करनी है अभी। मोहम्मद उस्मान, आप अपना कैमरा जो है वो सेल्फी वाले मूड से बैक कैमरा मूड पे आए तो आप फिगर। हाँ ठीक है, गुड। और थोड़ा पूरा पेज दिखाएं। अच्छा ये जो आपने 38 लगाया था 15, और ये जो रेडियस 30, ये दोनों में मुझे तो इसका में थोड़ा फर्क नजर आ रही है, जो इनर है इसका रेडियस क्या है? सर इसका इनर वाले का रेडियस होना चाहिए 19.2 भी है, और जो आउटर है उसका रेडियस होना चाहिए 60 है, तो वो 30 होना चाहिए। सर हाँ यस तो इसको जरा करेक्ट, इसको जरा करेक्ट करें, ठीक है ना। सर साद ठीक है इजाज, मोहम्मद नोमान नूर, बच्चे जिन जिन्होंने दिखा लिया मैं उनके नंबर लगा देने, बाकी सबके मैंने जीरो करने हैं, मैं आगे जाता जाऊंगा, ठीक है ना। एक एक घंटे में अगर आप सर्कल बनाते जाएंगे तो ये तो लेक्चर जो है काफी। अच्छा ये जरा कैमरा पीछे करें ताकि पूरा पेज मुझे नजर आए। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आपने ऊपर करें जरा कैमरे को, ये जो सर्कल के ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, आपके पास सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, क्योंकि आपने नीचे भी चीजें बनानी है, इसका एक व्यू बनाना है और एक साइड पे भी इधर भी बनाना है। ठीक है सही है, जवाब आप दिखाएं। ठीक है आप कैमरा बंद कर दे सायरा। जवाद आपने भी गलत बनाए हैं सर्कल, देखें ये दोनों सर्कल एक दूसरे के करीब करीब हैं,
तो ये जो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस है 30 इशारिया समथिंग, ठीक है ना, और जो छोटा है उसका रेडियस है 19 पॉइंट समथिंग। जी सऊद खान, सऊद आपने भी सर्कल जो है वो दोनों बहुत बड़े बनाए, एक तो होना ही बड़ा चाहिए, दूसरा तो छोटा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो इनर सर्कल आपने बनाया, मैंने आपको कहा था कि इनर सर्कल का जो रेडियस है वो 19.5 है, ठीक है ना, और ये जो बड़ा सर्कल जो आपने बनाया इसका रेडियस है 60.15 डिवाइड बाय 2, जो कि निकलता है 60.15 डिवाइड बाय 2 30.075। गोहर, आपकी ये जो फिगर है क्लियर नजर नहीं आ रही, जरा नजदीक करें इसको। यार ये सर्कल आप दोनों के करीब करीब क्यों आ रहे हैं, मतलब इतना, किसी ने ठीक बनाया हो, मुराद अली आपने, मुराद आप यस सर। दिखाएं अपनी फिगर। ये देखो ये मुराद ने ठीक बनाया है, ठीक है ना, तो एक सर्कल छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है ना, चलें आगे मूव करते हैं। अच्छा इसके बाद जो है स्टेप है वो ये है कि आपके पास ये फिगर तो आ गई, इसको मैं थोड़ा इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूं, एक मिनट। चले रहने दे। अच्छा इस तरह है कि इसके बाद जो स्टेप है वो ये है कि आपने ये विड्थ अक्रॉस फ्लैट वाले जो है वो डिस्टेंस लेके आपने सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल पे आपने हेक्सागोनल शेप सर्कमस्क्राइब करनी है, ठीक है ना, एक होता है इंस्क्राइब्ड और एक होता है सर्कमस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड ये होता है कि आपके पास लेट से ये एक सर्कल है, ठीक है ना, और इसके अंदर आपने कोई हेक्सागोनल शेप, फॉर एग्जांपल इस तरह की शेप आपने बनानी है इन इनसाइड, ठीक है ना, तो ये होता है इंस्क्राइब्ड और एक होता है सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड ये है कि आपके पास ये शेप है और इसके आपके आउटर सरफेस पे जो है वो एक शेप या पॉलीगॉन जो है वो आप बना रहे हैं, तो ये होता है सर्कमस्क्राइब्ड। अब हमने इस जो सर्कल आपने ड्रॉ किया है बड़ा सर्कल जो कि विड्थ अक्रॉस फ्लैट का डायमीटर जो था, ठीक है ना, उस पे हमने हेक्सागोनल शेप सर्कमस्क्राइब करनी है क्योंकि हम हेक्सागोनल हेड नट बना रहे हैं। तो उसके लिए तरीका ये है कि जो आपने सर्कल बनाया है इसके जो सेंटर है इसको जरा एक्सटेंड करें, ठीक है ना। अच्छा फिर क्या करना है, आपने फुट रखें इधर या जो टी स्क्वेयर है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे एक बारीक सी हल्की लाइन ड्रॉ करें लंबी, टेंजेंट टू दिस पॉइंट, और यहां पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करें इस तरह बारीक हल्की सी लाइन, ये ड्रॉ करें, ड्रॉ कर लें तो फिर मुझे बताएं। ड्रॉ कर ली? यस सर। अच्छा फिर आपने क्या करना है, ऐसे करें जो मेरे हिसाब से है कि अगर आप फुट रखें और मतलब 45 डिग्री पे आप इधर आके इसको, मतलब इधर एक पॉइंट नोट करें, सिमिलरली यहां पे भी 45 पे नोट करें, यहां पे भी 45 एंगल पे नोट करें, यहां पे भी। अब आप जब ये पॉइंट नोट हो जाए तो आप इस पॉइंट पे जो फुट को रख के इस पे भी इस तरह टेंजेंट ड्रा करें, समझ आ रही है जो मैं बात कहना चाह रहा हूं?
सर ये एंगल किस तरह लेना है? एंगल किस तरह लेना है यार? आप इधर डी रखो और डी से मतलब 45 पे, या आप इसका हाफ कर लो, मतलब डी से रखो ना एंगल। अगर नहीं भी लेते हो और अगर आप बिल्कुल इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो तो वो भी ठीक है। इस तरह सही है सर, सही। अगर एंगल लोगे तो वो परफेक्ट होगा। समझ आ रही है मैं जो कह रहा हूं? यस सर, यस सर। अच्छा, जब ये ड्रॉ कर ले तो फिर मुझे बता दें। ड्रॉ कर ली, जिसने ड्रॉ कर लिया मुझे जरा दिखा दें। अभी आप बच्चे जल्दी जल्दी बनाएं, ठीक है ना? फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आप उस पे रफ और परफेक्टली बनाएंगे। अभी जस्ट, हाँ ये मुराद ने बना लिया। मुराद आप दिखाएं। गुड। अच्छा, जिसने बना ली, इसके बाद क्या करना है स्टेप? मुराद जो या जिसने भी बनाई है, उसके बाद आप ये करें कि ये अननेसेसरी लाइंस मिटा दें। मतलब कि आपके पास परफेक्टली हेक्सागन जो है शेप वो सर्कमस्क्राइब्ड हो जाए। इस तरह आप जो है वो अननेसेसरी लाइंस मिटा दें। ये जो ये दरमियान में मैंने भी लगाई है, ये जो ठीक है, इस तरह शेप बन जाए। अब मुझे दिखाएं, चेक कराएं। अच्छा, ये आपने जो फिगर बनाई है ना, आप अपनी कॉपी को सीधा करें। ये जो कौन है, गुलाम मुस्तफा? कॉपी को इस तरह रखें। नहीं इस तरह नहीं, ये दूसरी तरह। हाँ इस, नहीं इस तरह भी नहीं। ये आपने इसको और उल्टा करो, 180 डिग्री पे उल्टा करो, एक और दो टर्न। हाँ इस तरह, ठीक है ना? और आपको मैंने कहा था कॉपी पे ना बनाएं, एक पेज पे बनाने हैं तो एक पेज पे आपने, लेकिन चलें ये प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है? अच्छा ये ठीक है, गुड, सही है, ठीक है ना? वापस आपने कॉपी मोड़ दिए। गुलाम मुस्तफा आप अपनी कॉपी दोबारा सर दोबारा दिखाऊं? दोबारा दिखाएं ये फिगर। ओके सर। अच्छा, आप अपनी कॉपी को इसी पोजीशन में रख के इसको ना हिलाएं और इसी पोजीशन को रख के आपने आगे काम करना है, ठीक है ना? अच्छा, और मुराद आप दोबारा दिखाएं अपनी फिगर, ठीक है? गुड, सही है। अच्छा एहसन, मोहम्मद एहसन, काइंडली शो योर फिगर। स्ट्रेंथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, 13। ये ड्रॉ करने का मकसद आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस कराना है, ठीक है ना? आप लोग इधर से भाग रहे हैं। हाँ गुड, ठीक है। आप नीचे करें इसको थोड़ा, शब्बीर बजाय इस तरह पकड़ने के आप फिगर को, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं कि लैपटॉप यूज कर रहे हैं? साद सऊद लैपटॉप यूज कर रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, फिर सही है, फिर शो करें आप।
हाँ लेकिन आप देखें, आपने इस पेज पे ऐसा फिगर बनाया है कि आप इसके अलावा और कोई नहीं बनाएंगे। आपको कहा भी था कि इसके नीचे आपने इसका फ्रंट व्यू बनाने और साइड व्यूज भी बनाने हैं। चलें खैर, अच्छा और किसी ने बनाया हो? जी एसन, एसन आपने ये फिगर बनाई है लेकिन ये ठीक नहीं है। लेकिन चलें फिर भी आप जब आगे बनाएंगे तो फिर आप सही तरीके से बनाएं, ठीक है? लेकिन गुड, अच्छा है आपने ट्राई किया है। उस्मान, हाँ मोहम्मद उस्मान, ये आपने भी ठीक बनाई है, ठीक है ना? लेकिन जो गलतियां आपको एंड पे पता चल जाएंगी। गुड, अच्छा इसके बाद फिर अगले स्टेप पे जाते हैं। अगला स्टेप क्या है ये देखें, ये आपको बताता है कि ये आपने टेंजेंट बनाई। माइक्रोफोन ऑन ऑफ कर दें। किसका? उस्मान, आप अपना माइक ऑफ कर दें। आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड भी रेस किया हुआ है। जी पूछें कोई क्वेश्चन। सारा आपका भी कोई क्वेश्चन है? नहीं अच्छा सारा, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। अच्छा ये फिर हैंड रेज जो है वो ना किया करें अगर क्वेश्चन नहीं है तो, ठीक है? अच्छा लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद है। जब एंगल का दोबारा तरह बता दे। किसका सही थे, एंगल, इसमें हमने एंगल ड्रॉ किया 45 का। एंगल तो जस्ट मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ बताया था, लेकिन बहरहाल अगर आप देखें इसको आगे देखें आपको समझ आ जाएगी। ये आपने जो सर्कल था उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किए, फिर इसके बाद जो है वो आपने साइड्स पे भी टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है ना? क्लियर? तो ये पॉइंट जो है अगर आपको नहीं मिल रहा सही, ठीक है ना, या आप टेंजेंट ठीक तरीके से नहीं ड्रा कर ले कर रहे, तो इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि आप डी रखें यहाँ पे और 45 पे मतलब 45 डिग्री पे इस पॉइंट को मार्क करें, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। तो फिर यहां पे आप जो है फुट रख के टेंजेंट ड्रा कर लें। क्लियर? अब यस सर। अच्छा तो जब आप टेंजेंट ड्रा कर लेंगी तो उसके बाद ये आपके पास ये शेप बन जाएगी। नाउ दिस हेक्सागोनल शेप इज सर्कमस्क्राइब्ड ओवर दिस सर्कल। ये सर्कल है और इस पे आपने ये हेक्सागोनल शेप जो है वो सर्कमस्क्राइब कर ली है। इसके बाद जो स्टेप है वो आपने ऑलरेडी पहले ही कर लिया है कि यहाँ पे सेंटर रख के आप जितना नॉमिनल डायमीटर था 38.1 मिलीमीटर उसका सर्कल ड्रा करें जो कि आपने ड्रा किया है, ठीक है ना? अब आपने जो सर्कल ड्रा किया उसको थोड़ा जगह जगह से मिटा के हिडन लाइन से रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना? मैं आपको बताता हूं कि क्यों। एक पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों इस सर्कल को हिडन लाइन से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन जो आपने छोटा सर्कल बनाया था ना उसको आप जगह जगह से रबड़ से मिटाएं, दोबारा मिटा के बनाने की जरूरत नहीं है, जगह जगह से आप मिटाएं ताकि ये हिडन लाइन की तरह नजर आए। तो ये आपका वो डी होगा नॉमिनल डायमीटर, ठीक है ना? ये बनाएं फिर मुझे बताएं। कर लिया सर। ओके ओके देन मैं आपको एक चीज अभी इसमें शो करता हूं कि आपने जो मैंने रात को भी आपको कहा था और इससे पहले भी मैंने आपको फास्टनर्स वाला लेक्चर थ्रेडेड फास्टनर्स शेयर किया था, वो आप लोगों ने देखा था लेक्चर 5A, देखा था वो आप लोगों ने यस लेक्चर? सर देखा अच्छा उसमें अगर आपको, मैं फिर ऊपर की तरफ जाता हूं ताकि आपको मैं फिर दोबारा रिवाइज कर दूं कि अगर आप देखें तो
आपको यहां पे मेजर डाया इसकी समझ आई थी और माइनर डाया की? यस सर। अच्छा क्लियर, गुड। अच्छा जब हम इसको यहां से देखते हैं, इस ऑब्जर्वर यहां पे लेट से इसको देख रहा है, तो इसको कौन सा डाया नजर आएगा? सर माइनर डाया। नहीं, मैं इधर से इसको देख रहा हूं, इस पॉइंट को भी छोड़ दें, ठीक है ना, ये बंदा इसको इधर से देख रहा है, इसको ये पॉइंट नजर आएगा और ये नजर आएगा ना, या अगर इसको ले लें, एक मिनट यहां से इसको इस फिगर को देख लें, ये इसको भी छोड़ दें, ये भी कम, अच्छा इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, को देख लेते हैं, इस फिगर को इसमें नहीं दिया हुआ, चलो एक मिनट सबर करें, ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा इधर समझा देता हूं, इधर ही से आप इस फिगर को देखें, तो अगर आप इसको एज ऑब्जर्वर यहां से देख रहे हैं, यहां से, ठीक है ना, तो आपको कौन सा डाया नजर आएगा? ये पॉइंट नजर आएगा और ये पॉइंट, मतलब ये सारे पॉइंट्स आपको, ये सारे पॉइंट एक ही उस पे आ रहे हैं, तो ये वाला डाया नजर आएगा, ठीक है ना, और ये कौन सा डाया है? मेजर डाया है, जो कि इसने ये देखें ये सर्कल बनाया हुआ है विजिबल आउटलाइन से, ठीक है ना। अब जब ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, तो ये पॉइंट, ये सारे जो पॉइंट्स है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली लाइन और ये तो इसको नजर नहीं आ रही ना? यस सर। अच्छा ये डाया कौन सा है? ये वाला, ये जो मैंने ये लाइन बनाई, ये डाया कौन सा है? माइनर डाया है, लेकिन ये इसने इधर इसको बनाया है हिडन आउटलाइन से। यहां तक समझ आ गई? यस सर। अच्छा, तो बोल्ड फॉर बोल्ड, जब आप बोल्ड बनाते हैं, तो बोल्ड का जो मेजर डाया है उसको आप विजिबल आउटलाइन से बनाते हैं, और जो माइनर डाया उसको हिडन से बनाते हैं। यहां तक क्लियर? यस सर। अच्छा, अब अगर नट है या इंटरनल, ये एक्सटर्नल थ्रेड्स के लिए, फॉर बोल्ड और एक्सटर्नल थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड्स। और अब आते हैं इंटरनल थ्रेड्स और नट, ठीक है ना। तो अब अगर देखें तो ये इंटरनल थ्रेड्स हुए हैं और ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, तो ऑब्जर्वर को सबसे पहले कौन से पॉइंट्स नजर आ रहे हैं? ये वाले पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना सर? माइनर वाले, ये माइनर वाले। तो यहां पे देखें तो इसका माइनर जो सर्कल है, माइनर डायमीटर वाला, वो विजिबल आउटलाइन से है, और ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये नहीं दिख रहे, ये वाला, और ये मेजर डाया है, ठीक है ना। तो ये मेजर डाया इन्होंने हिडन लाइन से बनाई हुई है, ठीक है ना। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं, इंटरनल थ्रेड्स हो या नट के अंदर थ्रेड्स हो, तो उसमें जो मेजर डायमीटर है वो हिडन लाइन से बनेगा और माइनर डायमीटर जो है वो विजिबल आउटलाइन से बनेगा। यहां तक क्लियर? यस सर। अच्छा, वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ, कि ये देखें, ये आपने जो डायमीटर बनाया हिडन लाइन से, जो कि आपके पास मेजर डाया था, तो वो आपने हिडन लाइन से बनाया है। यहां तक क्लियर हो गया ना? ठीक है ना। अब यहां पे इस क्वेश्चन में माइनर डाया नहीं दिया हुआ, तो लेट्स से यहां पे हम सपोज करते हैं, सपोज डेप्थ ऑफ थ्रेड वो है 1 mm, सपोज करते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड 1 mm है, तो हमारे पास जो है डेप्थ ऑफ थ्रेड किस चीज के बराबर है? डेप्थ ऑफ थ्रेड बराबर है सर मेजर माइनस माइनर।
मेजर डी मेजर माइनस डी माइनर डिवाइड बाय टू. यस सर. समझ आ गई? क्यों? क्योंकि देख लें, इधर मैं दोबारा वापस इसकी तरफ जाता हूं ताकि आपको ये भी चीज समझ आ जाए कि ये आपके पास मेजर है, ये यहां से यहां तक मेजर डाया है, ये डी मेजर है, डी एम मेजर, और यहां से यहां तक का डाया जो है वो डी माइनर है, ठीक है ना. अब इस मेजर से माइनर को माइनस करेंगे, डी मेजर माइनस डी माइनर, तो आपके पास जो डिस्टेंस बचेगा जब आप उसको टू पे डिवाइड करेंगे तो ये डिस्टेंस निकलेगा विच इज डेप्थ ऑफ थ्रेड. क्लियर? क्लियर? यस सर. अच्छा, अब हम आते हैं यहां पे. मैंने अज्यूम किया कि डेप्थ ऑफ थ्रेड जो है वो 1 mm है, तो अगर आप डेप्थ ऑफ थ्रेड 1 mm है तो आप माइनर डायमीटर निकाल सकते हैं कि 1 × 2 हो, यहां पे 1 आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू डी मेजर माइनस डी माइनर, ठीक है ना. और डी माइनर को इस तरफ ले आए तो डी माइनर हो जाएगा डी मेजर माइनस 2. डी मेजर कितना है? 38.1 है, उससे 2 माइनस करें तो ये 36.1 mm हो जाएगा. तो आपके पास माइनर डायमीटर कितना आ जाएगा? 36.1. क्लियर? यस सर. आप इस 36.1 को 2 पे डिवाइड करें तो जो आपके पास रेडियस निकल आएगा, आप यहां पे सेंटर को रखते हुए सर्कल ड्रा करें तो आपके पास ये सर्कल आ जाएगा जो आपने विजिबल आउटलाइन से बनानी है. ये बना के फिर मुझे अपनी फिगर दिखाएं. शाबाश. बना लिया आप लोगों ने? यस सर. जी मुराद दिखाएं आप फिगर. माइनर डाया नहीं, ये तो 1.5 mm है. ठीक है, सही है, ये भी ठीक है, सही है. आपने अगर हाँ गुड, ठीक है. अगर आप डेप्थ ज्यादा, जितनी डेप्थ ज्यादा रखेंगे, यहाँ पे हमने अज्यूम किया डेप्थ 1 mm है, ठीक है ना. अच्छा, ये आपने दरमियान में 1 mm लिया ना, तो 1 mm आपने डेप्थ ली, तो ये आपके पास 36 और ये दरमियान में 1 mm गैप है. हाँ 1 mm होगा, ठीक है, सही है, जो डिपेंड करता है. मुस्तफा आप फिगर करीब करें और भी थोड़ा, ये फिगर को दिखाए ना, ऊपर खाली जगह तो ना दिखाए ना. हाँ ठीक है, गुड. थोड़ा कैमरे को पीछे की तरफ लेकर जाएं. हाँ सही है, ठीक है. अच्छा मोहम्मद उस्मान, थोड़ा आप स्टेबल करें ताकि. हाँ गुड, शाबाश, ठीक है, गुड. और सारा फिगर जरा कैमरा अपनी तरफ करें ताकि फिगर पूरी नजर आए. हाँ गुड, शाबाश, सही है, ठीक है. और याहिया, अच्छा सऊद, थोड़ा इस तरफ करें, ये अपने राइट साइड की तरफ, अपने राइट साइड की तरफ. हाँ थोड़ा नीचे, हाँ थोड़ा ऊपर, ऊपर करें इसको. बास बस 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 बस. हाँ ठीक है, गुड, सही है, ठीक है. अच्छा हाँ जी, फारूक, थोड़ा फारूक कैमरे के करीब करें इसको. सरूश, आपने भी अच्छा बनाया है, गुड.
फारूक आपने भी ठीक बनाया है। एहसन थोड़ा नजदीक करें एहसन इसको फिगर को, कैमरे को नीचे करें थोड़ा। अच्छा या ठीक है, चलें सही है, गुड, सब सब कर रहे हैं। अच्छा आप इसको देखें, आप इसको देखें, इसके बाद आप जो जो चीजें विजिबल है उसको थोड़ा शो कर दें, बोल्ड कर दें। शाबाश हरी, आप एक मिनट में इसको बोल्ड करें, अगर नहीं रफली कर दें लेकिन इसको थोड़ा बोल्ड करें ताकि विजिबल नजर आए इसको ये चीजें। ठीक, अच्छा फिर इसके बाद आते हैं, आप इस तरह करें कि आप अपनी जो फिगर है, मैं एक मिनट में फुट देखता हूं फिर मैं। अच्छा अब आप करें इस तरह कि आप आपने अब हमने फ्रंट व्यू बनाना है, ठीक है ना। तो फ्रंट व्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, फ्रंट व्यू के लिए मैं इस तरह करता हूँ कि इसकी जो जो व्यूज आपने बनाए हैं उधर ही से इसको प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से आप वर्टिकल लाइन लगाएं इस तरह, और फिर यहां से भी आप, मैं चूंकि बनाऊंगा तो वो इतना परफेक्ट नहीं बनेगा आप, ठीक ये इस तरह, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट से भी प्रोजेक्ट करें, फिर इस पॉइंट से भी प्रोजेक्ट करें, ठीक है ना, और फिर इस सेंटर लाइन को भी प्रोजेक्ट करें। ये कर लिया आप लोगों ने, इसको करें, ये जो जो मैंने यहां पे परफॉर्म किया इसको आप करें। और ये लाइनें आपने बारीक लगानी है, बारीक, क्योंकि ये बाद में मिटेंगी, ये याद रखें, ये जो प्रोजेक्टर्स है ना ये आपने बिल्कुल हल्की लगानी है ताकि सिर्फ आपको विजिबल हो और बाद में आप अननेसेसरी लाइंस को रिमूव कर दें। लगा दिया आप लोगों ने, यस सर। अच्छा इसके बाद आप इस तरह करें कि इस फेस से आप अपनी पेज के हिसाब से कोई डिस्टेंस दरमियान में दें, मतलब डायरेक्ट तो आप फ्रंट व्यू यहां से नहीं शुरू कर सकते ना, आप कुछ गैप देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां तक गैप देता हूं, यहां तक, ठीक है ना, एक मिनट में इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से ही ड्रा कर दूं ताकि आपको, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे, रिज्यूम करें, इस पॉइंट से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी और ये दरमियान वाली लाइनें मिटा दें। यहां तक क्लियर? क्लियर है बच्चे यहां तक? यस सर, कर लिया सर। अच्छा अच्छा फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ये करना है कि
चूंकि फ्रंट व्यू में आपको थिकनेस नजर आती है नट की, तो थिकनेस क्या थी, टी की वैल्यू क्या थी, 38.1 थी ना, तो आप इस पॉइंट से 38.1 mm डिस्टेंस नाप लें जितना भी आता है, फॉर एग्जांपल इतना आता है, फॉर एग्जांपल आप नाप के ये डिस्टेंस आपने 38.1 mm लेना है, ठीक है ना, तो इसको नाप के जो आपके पास डिस्टेंस निकल आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 38.1 है, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लें और उसके बाद फिर आप जो है वो अननेसेसरी लाइंस जो है वो मिटा दें। ये सारी लाइन मिटा दें। क्यों मिटा दी, क्योंकि हमारे पास यहां पे जो ये थिकनेस है ये दैट इज सॉरी ये और ये इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ये वो थिकनेस ऑफ नट है। यहां तक क्लियर? यस सर। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? लेकिन चूंकि मैं ड्रा करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने चूंकि फ्रंट व्यू अगर आप देखें तो फ्रंट व्यू आप इसको यहां से देखें तो फ्रंट व्यू में आपको क्या नजर आएगा, ये नजर आएगा, ये वाली फेस नजर आएगी ये, और टोटल विड्थ ये नजर आएगी, तो हम इसी पॉइंट से प्रोजेक्ट करते हैं इन सब जगहों से ताकि हमें बार बार नापना ना पड़े। जब आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करने के बाद आपने टॉप व्यू, ये टॉप व्यू था तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के दरमियान कुछ डिस्टेंस छोड़ा और उसके बाद आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद आपने जितनी थिकनेस थी नट की वो लगाई और इसको बंद कर दिया और बाकी अननेसेसरी लाइंस को मिटा दिया। अब ये देखें ये ऑटोमेटिकली ये इस एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोजेक्ट करने का एक फायदा ये है, ये सेंटर का इसका सेंटर लाइन है, ठीक है ना, तो ये सब चीजें जो है वो एक मिनट रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो ये इसका अभी फ्रंट व्यू नहीं बना लेकिन कुछ ना कुछ उसकी शेप बन गई, आगे अब हमने इस पे फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। यहां तक क्लियर है सबका? यस सर, क्लियर हो गया सर। अब आती है बारी रेडियस ऑफ चैम्फर की, रेडियस ऑफ चैम्फर की, रेडियस ऑफ चैम्फर की क्या वैल्यू थी? हाँ बताए ना, याद है आपको? नहीं याद? रेडियस ऑफ चैम्फर की वैल्यू थी 53.34 क्लियर मिलीमीटर। अब आपने प्रकार जो है वो 53.34 mm ओपन करना है, प्रकार को 53.34 mm ओपन करें, शाबाश, फिर मुझे बताएं। ओपन कर दिए कि नहीं? यस सर। अच्छा, प्रकार को ओपन करने के बाद आप प्रकार की जो नीडल वाली पॉइंट है उसको इधर रखें, ठीक है ना, और इस तरफ एक आर्क लगाएं जो कि आपके सेंटर लाइन को इंटरसेक्ट करें, शाबाश, ये करें। प्रकार का एक एंड जो है वो नीडल वाला वो इस पॉइंट पे रखें और इधर एक आर्क लगाएं जो कि आपके सेंटर लाइन को कट करें, ये कर ले तो फिर मुझे बताएं। कर लिया सर। अच्छा, फिर आपने अभी प्रकार को जो है वो या कंपास को आपने ओपन और क्लोज नहीं करना, अब नीडल वाला पोर्शन यहां पे रखें और पेंसिल से आर्क ड्रा करें जो कि इस तरह बनेगी, ये बनाएं।
कर लिया, बना लिया सर। अच्छा, अब आपने इसी तरह प्रकार को दोबारा ओपन और क्लोज ना करें, इस पॉइंट पे रखें और इधर एक आर्क लगाएं जो कि इस सेंटर लाइन को काटे, बारीक सी लाइन लगाएं जो कि इस सेंटर लाइन को काटे, और फिर इसी एंड पे नीडल रख के इधर भी एक इस तरह आर्क लगाएं, तो ये कुछ इस तरह शेप बन जाएगी। ये कर लें फिर मुझे बताएं। इसको बनाने के बाद जो है वो जो आपने, अगर ये ऊपर कहीं पे क्रॉस हो रहे तो वो मिटा दें, ठीक है ना, और नीचे तो ना मिटाएं ताकि नजर आए कि आपने कुछ कंस्ट्रक्शन लाइंस बनाई हैं, ठीक है ना। ये बना लिए? यस सर। अच्छा, फिर इस तरह करें कि फुट रखें इस जगह पे, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को यहां पे सिर्फ इधर एक प्रोजेक्ट करें, एक मिनट, इधर फुट रखें इधर और इस पॉइंट से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट करें, एक पॉइंट ड्रा करें, यहां से इसी तरह इधर भी एक पॉइंट ड्रा करें, यहां से ये भी इधर भी एक पॉइंट ड्रा करें और यहां से इधर भी एक पॉइंट ड्रा करें। ये ड्रा कर लें तो फिर मुझे बताएं। मैं ये फिर आखिर में एक दफा समराइज भी करूंगा, ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है लेक्चर, तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। क्लियर? कर लिया आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, आप एक एक लफ्ज यूज होता है राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर का किसको पता है? आपको अगर मैट्रिक में याद हो कि एक लाइन है ए बी और ये फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है और इसको दो हिस्सों में तकसीम करना हो, तो एक तरीका तो ये है कि आप फुट रख के 5-5 सेंटीमीटर नाप ले, लेकिन लेट से अगर आपके पास फुट नहीं है, रूलर नहीं है, तो आप क्या करते हैं, प्रकार को इस प्रकार का या कंपास का एक एंड यहाँ पे रखते हैं और आधे से ज्यादा प्रकार को या कंपास को ओपन करते हैं और एक आर्क ऊपर लगाते हैं और एक नीचे, सिमिलरली फिर इस एंड पे रख के एक आर्क इधर लगाते हैं और एक इधर, और फिर एक लाइन पास करते हैं जो कि इस दोनों इंटरसेक्शन से पास हो, तो ये आपको हाफ हाफ पे डिवाइड करता है, दैट इज नोन एज राइट बाइसेक्टर। कुछ याद आया? यस सर। अच्छा, अब आपने ये करना है कि ये जो ये वाली लाइन है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करें, शाबाश, और राइट बाइसेक्टर को इस तरह बनाएं कि वो नीचे तक इसको भी काटे और फिर इस लाइन का भी ड्रा करें और उसके बाद फिर मुझे अपनी फिगर दिखाएं, और ये बाइसेक्टर आपने हल्की लाइन से लगाना है, ठीक है ना। हाँ जी, कुछ बना के नहीं दिखाएं, मुराद आप दिखाएं फिगर।
अच्छा मुराद मुराद जरा फिगर जूम करें, ये जो आपने दरमियान में, मैं आपको अपनी फिगर में दिखाता हूँ, ये जो आपने ये लाइंस जो है ना, ये जो आपने ड्रा की है रेडियस ऑफ चैम्फर, और आपने इधर तक बनाया है, तो इधर तक, सॉरी इधर तक, ये क्यों नहीं हो रहा, ये आपने जो रेडियस ऑफ चैम्फर को इधर तक, तो इधर जो पोर्शन है वो डिलीट कर दें, सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है ना, बाकी पोर्शन को रिमूव कर दें ताकि आपकी फिगर ठीक नजर आए, क्लियर? ये ओके सर, सही है। हाँ, और किसी ने बना लिया, दिखाएं। हाँ ये सारा आप बिल्कुल गुड, ठीक है, नहीं इस कैमरे को इन्वर्ट ना करें, इसी तरह रखें कि आपका टॉप व्यू भी नजर आए और फ्रंट व्यू भी। हाँ गुड, सही है, ठीक है। और थोड़ा इस तरफ करें, लेफ्ट की तरफ, अपने लेफ्ट की तरफ करें, हाँ नीचे और थोड़ा ऊपर करें इसको, ऊपर ऊपर। अच्छा आपने चूंकि बहुत ही हाई मतलब लाइट पेंसिल से बनाई है तो मुझे तो नहीं नजर आ रही है आपकी फ्रंट व्यू की फिगर, नजर नहीं आ रही। देखें जो विजिबल आउटलाइन वाली चीजें हैं वो आप सॉलिड लाइन से मतलब या उससे बनाएं, विजिबल आउटलाइन से बनाएं, और जो कंस्ट्रक्शन वाली चीजें हैं वो आप बेशक हल्की। हाँ सरूश आप की फिगर भी ठीक है, हल्की है लेकिन नजर आ रही है। हाँ गुड, ठीक है, आपने भी सही बनाया है। ये याहिया सिकंदर, आप अपनी फिगर जरा दिखाएं इस तरह, थोड़ा आपका कैमरा ब्लर आ रहा है। हाँ ये आपने जो रेडियस ऑफ चैम्फर है दरमियान वाली, ये पूरी बनाई है, इसी तरह बनाई है, ये देखें इस तरह बनाई है कि नहीं, ये एक मिनट में अभी आपको दिखाता हूँ ये कुछ। अच्छा चलो थोड़ा मैं नीचे इसको करके दिखाता हूँ, ये देखें वही सेंटर लाइन है, ठीक है ना, वही ये जो इस एजिस से जो ये जो एजिस हैं इससे प्रोजेक्ट करके ये पॉइंट्स मिले हैं, फिर ये इसको जो थिकनेस है जितनी नट की वो दी है और कंबाइन करके ये बन गई, फिर आपने रेडियस ऑफ चैम्फर बनाया, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया किस तरह बनाना है, ऊपर भी बना लिया और नीचे भी बना लिया, और फिर इस पॉइंट्स को आपने प्रोजेक्ट कर लिए, ठीक है ना। अब आपने इस लाइन के बाइसेक्टर बनाए जो कि ये यहां तक हमने कर लिया है, ठीक है ना। अगर किसी की फिगर इस तरह है तो वो वेल एंड गुड, उसने ठीक बनाया है। किस किस का इसी तरह बनाया है? यहां तक क्लियर है सबको? यस सर, इस तरह बनाया है। अच्छा गुड। इसके बाद जो स्टेप है वो ये है कि आपने करना क्या है कि आपने अब इस पॉइंट को, यार ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा ये पेन, अच्छा अब हो गया, अब इस पॉइंट को ज्वाइन करें इस तरह, सिमिलरली इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करें, इस पॉइंट को, अच्छा इधर से भी प्रोजेक्ट हुआ है ना, तो इसको और इसको ज्वाइन करें, और इसी तरह इधर भी एक प्रोजेक्ट हुआ होगा, इसको और इसको ज्वाइन करें, शाबाश ये करें। सर आप ये दोबारा बताइए, चैम्बर रेडियस कैसे ड्रा करना है और ये बाइसेक्टर? बच्चे आप अभी आए हो क्लास में, भी ज्वाइन किए बनाने में सर? हाँ नहीं नहीं मैं अभी नहीं आया सर। अच्छा इस तरह है, ठीक है ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है आपने करना क्या है, मैं दोबारा जाता हूँ बैक, आपने करना ही है कि रेडियस ऑफ चैम्फर की जो वैल्यू आपके पास निकली है उतना आपने प्रकार को या कंपास को ओपन करना है, ठीक है यहां तक क्लियर? यस सर। फिर आपने क्या करना है कि नीडल वाली साइड, नीडल वाले इस पॉइंट पे रखें और इधर एक आर्क लगाएं जो कि आपकी इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस करे, यहां तक क्लियर? यस सर। फिर आपने इसी प्रकार को नीडल वाली पोर्शन को यहां पे रख के आर्क लगानी है जो कि इस तरह लगेगी,
अगर आपने ठीक वैल्यू ली है तो वो इस तरह लगेगी। समझ आई अब? अब फिर इस पॉइंट के लिए भी आपने इस तरह करना है कि इधर उसी प्रकार को इधर रखें और इधर आर्क लगाएं जो कि वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस करेगी, फिर कंपास को नीडल वाली पोर्शन को इधर रख के आर्क लगाएं जो कि इस तरह बनेगी। ये आपका रेडियस ऑफ चैम्फर है। क्लियर सर? प्रकार बंद नहीं करना है ना सर, एक बार नहीं, नहीं प्रकार को उसी तरह रखना है जो कि रेडियस ऑफ चैम्फर की वैल्यू उसी उसी तरह रखना है। ठीक है, आगे जाएं। यस सर। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा कि ये लाइन लगाएं इसी तरह। अब आपने करना क्या है कि इसका इस छोटी लाइन का, अगर आपके पास फुट है, एक तरीका तो ये है कि आप फुट है इसको नाप लें कितना है इसके मिड पॉइंट पे, या आप इसको इस तरह ना करें मिड पॉइंट फुट से ना करें, आप इसको प्रकार से ही करें। इस लाइन इन सब लाइंस का बाइसेक्टर लें। ऑफ कर दें आप बच्चे, इन सब जो छोटी छोटी लाइंस हैं उनका बाइसेक्टर लें। देखें इस स्टेप में किया हुआ है, इस स्टेप में किया हुआ बाइसेक्टर लें जो कि आपको इधर एक पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्शन पे। क्लियर? ये करें, ये स्टेप करें। फिर आपने ये दरमियान में ये लाइनें मिटानी है, ये बारीक करनी है। अच्छा, ये वाली, और अगर नहीं भी मिटाते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर खिचड़ी सी बन जाएगी। बेहतर ये है कि फिर बाद में अगर आप मिटा देते हैं तो अच्छा है। ये कर लें तो फिर मुझे बता दें। अच्छा, एक 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 पोर्शन के लिए करें, फिलहाल एक पोर्शन के लिए करें। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं आसानी से, फिर आपको इधर ये चीज खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं होगी। ये कर लिया आप लोगों ने, ये राइट ये इसका बाइसेक्टर बना लिया। यस सर। अच्छा, अब आपके पास ये पॉइंट निकल आया ना, तो प्रकार को प्रकार की सुई वाली या जो नीडल वाली पोर्शन है उसको इधर रखें और प्रकार को इतना ओपन करें कि पेंसिल आपकी इस पॉइंट के साथ टच हो, और इधर एक इस तरह आर्क लगाएं। मेरे पास सही नहीं बनेगी, लेकिन इधर एक इस तरह आर्क बनेगी। ये बनाएं, बना ले तो फिर मुझे बता दें जरा। यस सर, बना लिया। बना लिया। अच्छा, अब आपने जब बना लिया तो अब यहां पे भी आप बनाएंगे, तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल फुट रखें। ठीक है ना? जब आप फुट रखेंगे इस तरह, मैं तो लाइन ड्रा कर रहा हूं लेकिन आपने फुट रखने हैं। जब आप फुट रखेंगे तो आपको इधर भी ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इस पॉइंट से आप बिल्कुल प्रकार को वही आपने जो यहाँ पे प्रकार यूज किया है उसको ओपन और क्लोज ना करें, इधर ही रख के इधर भी इसी तरह आर्क लगाए। लगा ले तो फिर बता दे। सर इसे पहले वाला स्टेप दोबारा बताएं। कौन से वाला स्टेप? ये वाला, इधर वाला सर, छोटे लाइंस के। जी सर। अच्छा, दोबारा देखें इसको। ये आपने राइट बाइसेक्टर तो ड्रा किया ना, ये वाला ड्रा किया, ये बाइसेक्टर सारा। यस सर। यस सर। तो आपके पास ये पॉइंट आ गया ना। अब आपने प्रकार को या कंपास को नीडल पोर्शन यहाँ पे रखें और प्रकार को इतना ओपन करें कि जो पेंसिल की टिप है वो इस पॉइंट के साथ टच हो। ओपन कर लिया आपने इसको? जी सर। अच्छा, अब इधर आप इसी प्रकार को जो नीडल है वो यहीं पे ही है और इधर एक आर्क लगाएं इस तरह। यस सर। लगा ली। अब इस प्रकार को एक साइड पे रख दे, ओपन और क्लोज ना करें। अब आप फुट जो है वो सिंपल रूलर हॉरिजॉन्टल वो इस पॉइंट पे इस तरह रखें कि ये पॉइंट के साथ बिल्कुल इस तरह हो। आपके पास ये पॉइंट आ गया। यस सर। अभी इसी प्रकार को उठा के, अगर आपने उसको क्लोज नहीं किया तो इसी को उठा के यहाँ पे भी एक आर्क लगाएं जो कि इस तरह बनेगी। जी सर। ठीक है ना?
गुड। अब इसके बाद क्या स्टेप करें, इसके बाद फिर करें कि यहीं पे भी इधर भी जो आपने जो लाइन लगाई है ना उसका बाइसेक्टर लें और आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना, और उस इंटरसेक्शन पॉइंट को और उतना प्रकार ओपन करके आप इधर भी आर्क लगाएं, फिर इसी तरह इस पॉइंट को इधर प्रोजेक्ट कर लें और फिर उसी प्रकार को रखते हुए इधर भी आप आर्क लगाएं। ये सब प्रोसेस करने के बाद मुझे आपकी फिगर इस तरह दिखाई देनी चाहिए, वो मुझे आप फिर दिखाएं, उसके आगे फिर आपको फर्दर बताएंगे। क्लियर, सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, ये बना के फिर मुझे बताएं बच्चे, ये बना के बताएं। सर जी जी सर, और समझ आई है सर? ये इधर एंड पे सर ये छोटा जो मतलब इस तरफ राइट हैंड साइड पे सर जो बाइसेक्टर बना है सर, ये एक बार दोबारा रिपीट कर दो बच्चे। ये देखें आपके पास, चले मैं इधर बना देता हूँ। ये आपके पास इस तरह एज है ना, और आपने ये पॉइंट प्रोजेक्ट किया था, ये आपका वो सेंटर लाइन है, ठीक है ना, और इस पॉइंट को आपने इसके साथ मिला दिया था। अब आप क्या करेंगे, प्रकार को इस जो इसकी जो लेंथ है इसको आधे से ज्यादा ओपन करें, इधर आर्क लगाएं और इधर आर्क लगाएं, फिर प्रकार को इस एंड पे रख के इधर लगाएं और इधर लगाएं, और इन दोनों को जो क्रॉस पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर लें, ठीक है ना, और इतना ज्वाइन करें कि ये वर्टिकल एक्सिस जो है इसको भी क्रॉस करें। अब आपने प्रकार के एक एंड को यहां पर रखना है और इतना ओपन करना है, ठीक है ना, और फिर आर्क लगानी है जो कि इस तरह लगेगी। क्लियर अब? यस सर, अभी समझ आ गई। ठीक है, गुड। अच्छा, किसने बना लिया? मुराद बना लिया आपने? सर एक मिनट सर, बना रहा हूं। ठीक है, आराम से, टेक योर टाइम। बना ले तो फिर मुझे बता दें। अच्छा एक मिनट में चेक करता हूँ। हाँ गुड, शाबाश, अच्छी बनाई है, ठीक है। फिलहाल तो ये रफ वो है ना, जब आपको आपके पास अगर प्रॉपर टी स्क्वायर और ये आप तरीके से बनाए तो ये ठीक बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पोर्शन आपका थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है और ये पोर्शन थोड़ा छोटा नजर आ रहा है, तो मीन्स के कुछ है आप इन मतलब आपने एक्यूरेटली ट्राई तो किया लेकिन एक्यूरेटली ये डिस्टेंस सही डिवाइड नहीं हुए, ठीक है ना। लेकिन अगेन आई विल गिव यू एन असाइनमेंट जिसमें आप ये प्रॉपर ठीक तरीके से बना के बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, ये भी आपने मोहम्मद एहसान, गुड, आपने ठीक बनाई है। और किसी ने बनाई हो? जी, एनीवन? याहिया सिकंदर आपका, हाँ थोड़ा आप कैमरे को एक ही जगह पे रखें ताकि फोकस ठीक आए ना। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए सही है, ठीक है, गुड, वेल ट्राइड। अच्छा, और किसी ने? अब्दुल जब्बार, फरजंद गुल, साद इजाज, सारा आप फिगर दिखाएं किस तरह फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अच्छा, ये थोड़ा जूम थोड़ा नीचे करें मोहम्मद जवाद, ये फ्रंट व्यू की तरफ आए, फ्रंट व्यू की तरफ नीचे। हाँ वेल ट्राइड, ठीक है, फिर आपने ठीक तरीके से भी सही बनानी है। क्लियर? अभी तो चुके जस्ट वो है गुलाम मुस्तफा। हाँ
ये है सारा, आपने भी ठीक बनाया है। आप गुलाम मुस्तफा आप दिखाएं, ऊपर करें इसको, फ्रंट व्यू शो करें। हाँ गुड, आपने भी ठीक बनाया। ये सऊद अपने राइट की तरफ, हाँ राइट की तरफ, अपने 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 राइट की तरफ, हाँ थोड़ा और राइट की तरफ, राइट, हाँ बस ये देखे थोड़ा आपका इधर है, थोड़ी फिगर टेढ़ी मेढ़ी है इसका, ये इसलिए है कि आपने प्रॉपर हॉरिजेंटल डिस्टेंस जिस तरह टी स्क्वेयर और सेट स्क्वेयर का प्रॉपर यूज नहीं किया, इसलिए आपकी जो चीजें हैं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ रही हैं, ठीक है ना। तो आपको जो असाइनमेंट मिलेगी वो आपने प्रॉपर तरीके से बनानी है, ठीक है ना। वेल ट्राइड, ओके आगे मूव हो। ओके अच्छा, फिर मैं इस नीचे की तरफ स्लाइड की तरफ जाता हूं। तो ये आप करेंगे तो आप, अब इसके बाद आपने इन सब, अब ये दरमियान में देखे ना ये वाली लाइन, ये जो ये दरमियान में नजर आ रही है आपको ये वाली लाइन, ये आपने मिटा देनी है, ये वाली, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो ये मिट जाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद जो है आपने ये भी रब कर देनी है, ये वाली, ये तो देखें ये लाइन जो लगी है ना, ये तिरछी, ये 30 पे है, तो ये पोर्शन आपने ये वाले ये भी आपने रब करने हैं, तो फिर आपकी फिगर इस तरह बन जाएगी और इसको आपने बोल्ड कर देना है, तो ये आपका फ्रंटल व्यू बन गया, ठीक है ना। अब इसमें एक आध चीज रहती है जो कि मैं आपको बताता हूं, लेकिन फिलहाल अभी आप इसको ना करें, बाद में आप इसको कर लें, ये अननेसेसरी लाइन को इरेज कर लें, लेकिन आपका फ्रंट व्यू कुछ इस तरह बन जाएगा। अब आपने करना क्या है कि ये जो ये तो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में आपकी कुछ चीजें मिसिंग है, क्या मिसिंग होगी कोई बता सकता है, यानी किसी के जहन में कोई आइडिया हो कि क्या फ्रंट व्यू में क्या चीज और रह गई है ड्रॉ करनी। मुराद सर विद नहीं, और किसी के जहन में कोई? अच्छा चले मैं ही बता देता हूं, ये जो नट है ना, ये नट, ये और ये आपको फ्रंट से नजर आ रहे हैं इस तरह, लेकिन इसके पीछे एक होल है जिसमें थ्रेड्स भी बने हुए हैं, तो वो आपको विजिबल नहीं है, तो वो आप बनाएंगे लेकिन हिडन लाइन से बनाएंगे। तो एक तरीका तो ये है कि आप टी स्क्वेयर और सेट स्क्वेयर रखें और इधर से इस पॉइंट से लाइन प्रोजेक्ट करें, और इस पॉइंट से भी सिमिलरली इस पॉइंट को भी रखते हुए प्रोजेक्ट करें, तो आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये डॉटेड वाले, ये आपको मेजर डायमीटर शो कर रहे हैं और ये आपको माइनर डायमीटर, तो ये आपका फ्रंट व्यू बन गया, एफ वी जिसे कहते हैं, और ये आपका ये वाला जो है वो टॉप व्यू है। यहां तक क्लियर है सर? ये फ्रंट से फ्रंट व्यू हम लेते हैं तो फ्रंट से तो ये थ्रेड हमें नजर नहीं आते ना, फ्रंट से हमें थ्रेड नजर नहीं आते, लेकिन इसको हम हिडन लाइन से तो रिप्रेजेंट करते हैं ना, कि इसके इस फ्रंट व्यू के जो फेस है इसके पीछे कुछ फीचर है ये, और उस फीचर को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने स्टार्ट लेक्चर में कहा था ना कि जो चीजें हमें नजर नहीं आती फ्रंट से या हमारे सामने जो होती हैं, लेकिन पीछे वो अवेलेबल होती है, उनको हम हिडन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके सर सही, यहां तक क्लियर? यस सर। अच्छा हम आते हैं, आप साइड व्यू बनाएंगे, साइड व्यू आप बताएं हमें, हम किस जगह पे बनाएंगे कोई बता सकता है? अच्छा ये बताएं साइड व्यू किसके साथ बनेगा, टॉप व्यू के साथ के फ्रंट व्यू के साथ? हाँ जी बताएं ना, टॉप व्यू के साथ बनेगा सर, टॉप व्यू के साथ बनेगा, और कोई सर? फ्रंट व्यू के साथ, फ्रंट व्यू, और कोई सर? टॉप व्यू, टॉप व्यू, और अच्छा थोड़ा आप वापस अपने कंसेप्ट की तरफ जाएं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तो आपको याद होना चाहिए कि जो साइड व्यूज हैं वो हमेशा फ्रंट व्यू के साथ बनते हैं।
ना कि टॉप यू। तो थोड़ा आप फिर वापस थ्योरी ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बाद में लेक्चर के बाद में आप जाएं और थोड़ा उसको रिवाइज करें, ठीक है ना। तो आपका साइड व्यू जो है वो फ्रंट व्यू के साइड पे बनेगा, आइदर इस साइड पे बनेगा या इस साइड पे बनेगा, वो डिपेंड करता है क्योंकि थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो फिर आप अगर इधर से देख रहे हैं तो इधर ही बनाएंगे। क्लियर? ओके सर, सही। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि जितना डिस्टेंस आपने इन दोनों के दरमियान रखा था, जो फासला रखा था, वो आपने यहां पे भी मेंटेन रखना है, इतना दरमियान में फासला देना है और उसके बाद यहां पे फिगर बनानी है। क्लियर? यस सर। अच्छा, आते हैं साइड व्यू की तरफ, जल्दी इसको देखते हैं। तो आपने, अच्छा, इधर भी आपने एक बिल्कुल वर्टिकल एक्सिस बनानी है, ठीक है ना। और आपने करना क्या है, एक्सिस बनाने के बाद आपने इन यहां पे टी स्क्वायर रख के, हॉरिजॉन्टल टी स्क्वायर रख के आपने इसी तरह इनको प्रोजेक्ट करना है। जब आप प्रोजेक्ट कर लेंगे इनको, तो आप जितना आपने इनके दरमियान में जितना ये फासला है वो इतना फासला रख के आप इधर एक वर्टिकल लाइन लगा दें, ठीक है ना। मैंने तो ब्लड से वर्टिकल लाइन लगा दी। अब आपने वर्टिकल लाइन लगा दी, अब इधर जो डिस्टेंस नजर आएगा वो कितना होगा, कोई बता सकता है? असल में साइड व्यू ये है ना, इधर से हम देखते हैं तो साइड व्यू में हमें ये फेस और ये फेस नजर आती है ना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल, ये कोई बता सकता है जल्दी? इसको फिगर को देखे ना, इधर नहीं, थिकनेस की किस तरह बराबर, इधर से अगर आप देखें तो ये मुझे टोटल इसकी ये जो विड्थ है ये कितनी होगी, सर? ये डायमीटर ऑफ सर्कल होगा जी, ऊपर जो जितना सर्कल है इसका डायमीटर होगा। एक्जेक्टली, और वो कितना डिस्टेंस है? ओ सर, 38.1। वो 38.1 नहीं, 38.1 नहीं होगा, तो दोबारा और करें सर, 60.1 समथिंग का हमने वो तो विड्थ अक्रॉस फ्लैट वाला डिस्टेंस है। ये देखे ना, ये यहां से अगर हम देख रहे हैं तो हमें टोटल विड्थ ये नजर आ रही है ना साइड में, तो ये क्या है, ये इस बड़े सर्कल का जो डायमीटर है जो कि डब्ल्यू था। तो W की वैल्यू क्या थी, W की वैल्यू थी 60.15। तो आपने फुट यहां से रख के 60.15 मेजर करना है और इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने अननेसेसरी लाइंस जो है वो मिटा देनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है, चूंकि दो फेसेस हैं तो आपको देखें ये दरमियान में ये जो लाइन है ये भी आपने ड्रॉ करनी है, ये आपको सॉलिड ही नजर आएगी ये वाली लाइन। यहां तक समझ आ गई? और थिकनेस तो ये है, ये थिकनेस है जो कि हमने इधर से ऑलरेडी प्रोजेक्ट की थी, ये वो टी है। यहां तक क्लियर? यस सर। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, ये जो चैम्फर वाले कॉर्नर पे ये जो पॉइंट है इसको भी प्रोजेक्ट कर देना है इधर, और बाकी तरीका एग्जैक्टली सेम है। आपने इसका राइट बाई सेक्टर लेना है, ठीक है ना, और इसका भी राइट बाई सेक्टर लेना है, ठीक है ना। फिर इस पॉइंट को इधर इसके साथ मिला लेना है, इस पॉइंट को इधर इसके साथ मिला लेना है, और इनके भी बाई सेक्टर लेने हैं, और फिर वही जो आपके पास जितना डिस्टेंस आता है जो कि हमने पिछला किया था, मैं आपको नीचे एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको देखे, यहां तक तो समझ आ गई नहीं, ये डब्बा जो ये बन गया इसकी, यहां तक समझ आ गई? Yes, yes, अच्छा, फिर yes, इसके बाद देखें ये जो पॉइंट है इनको भी प्रोजेक्ट कर दिया, फिर ये इसका राइट बाइसेक्टर लिया और ये वो जो पॉइंट्स हैं चैम्फर वाले, ठीक है ना। तब आप इसको, इसका भी राइट बाइसेक्टर लिया और इसका भी लिया, ये आपके पास अब ये पॉइंट आ गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। अब आपने प्रकार को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ओपन कर लेना है और आर्क लगा लेनी है। जी, क्वेश्चन करें, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहा था सर? ये दूसरा बाइसेक्टर किस चीज का बना है सर, किस लाइन का बनाया है, किस चीज का
सर ये तो पहले एक छोटी सी लाइन का बनाया ना रेड बाइसेक्टर, ये दूसरा किया जो एंगल पे। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहां तक आप ये देखें, ये तो आपने ये पॉइंट्स यहां पे प्रोजेक्ट कर दिए ना, यहां पे और यहां पे, ठीक है ना? यहां तक समझ आ गई? यस और ये जो लगी हुई है ना, ये तो इन्हें शो की हुई है कि ये इस लाइन, ये जो ये लाइन है ना, इसका आप राइट बाइसेक्टर बनाएंगे। जब आप राइट बाइसेक्टर का तरीका आपको मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था, जब राइट बाइसेक्टर बना देंगे तो आप एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे, तो आपके पास इस तरह की लाइन आ जाएगी जो कि इधर है, ठीक है ना? ठीक है, फिर अब आपने क्या करना है, फिर आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है और इसका भी इसी तरह राइट बाइसेक्टर बनाना है। और जब इस ठीक है, लाइन समझ को आ भी, गया सर, हाँ ये समझ गया सर, ये सर। ठीक है, तो जब आप इन दोनों का, दोनों राइट बाइसेक्टर को आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये इधर इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है ना? अब इस पॉइंट पे आपने प्रकार रख के इतना ओपन कर देना है, पेंसिल आपकी यहाँ इस पॉइंट तक आनी चाहिए और आप एक आर्क लगाएंगे कि जो यहाँ पे इस तरह लगेगी, ठीक है ना? फिर आपने ये तरीका अगर आप इधर दोहराएंगे तो इतना आपका टाइम जाया होगा, तो बेहतर ये है कि आप इधर इस पॉइंट पे टी स्क्वेयर रखें, ठीक है ना? और इस इधर एक हल्की सी लाइन लगा दें। अब प्रकार से, प्रकार को इधर से लेकर प्रकार लेते हैं या तो ये डिस्टेंस नापते हैं, आपकी मर्जी। तो अगर आप प्रकार को इतना ओपन करते हैं और इस पॉइंट पे रख के इधर क्रॉस करते हैं तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्रकार को ओपन करें और एक आर्क ड्रा करें जो कि इस तरह बन जाएगी। क्लियर? यस अच्छा, यही तरीका इसके लिए भी करें, इन दोनों के लिए भी। तो जब यही तरीका आप नीचे वालों के लिए भी करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगी, ठीक ओके सर। है? पहुंचे। फिर इसके बाद जो है वो आपने हिडन लाइन लगानी है। हिडन लाइन किस तरह लगाएंगे, आप नाप लें कि जो है वो बिल्कुल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का होगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो इतना होगा, और दोनों को हिडन लाइन से रिप्रेजेंट कर लें और बाकी आप अपनी फिगर को सॉलिड कर लें, तो ये आपका साइड व्यू भी बन जाएगा, ठीक है ना? तो ये आपका हेक्सागोनल, हेक्सागोनल हेड नट, उसका उसके तीन व्यूज, थ्री थ्री व्यूज, ऑर्थोग्राफिक व्यूज, ऑर्थोग्राफिक व्यूज बन गए। लेकिन यूजिंग व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल और थर्ड थर्ड एंगल? एंगल थर्ड थर्ड एंगल प्रोजेक्ट एंगल प्रोजेक्शन, क्योंकि ये देखें ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और साइड व्यू है, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू इज अबाउट द फ्रंटल व्यू। क्लियर? अब आप इस तरह करें कि मैं आपको 10 मिनट देता हूं, ठीक है ना? आप लोग, या 5 मिनट देता हूं, ठीक है ना? तो आप लोग 5 मिनट में इस फिगर को, साइड व्यू को भी कंप्लीट करके फिर मुझे बताएं, ठीक है? ओके सर। एंड देन आई विल गिव यू असाइनमेंट फॉर कमिंग वीक, और कुछ एक और लैब रिपोर्ट्स के हवाले से हैं वो आपके साथ शेयर करनी है, तो फिर उसके बाद क्लास एंड करते हैं। ठीक, तो आपके पास 5 मिनट है, आप 5 मिनट में इस, 5 मिनट में इस फिगर को कंप्लीट करें, हरी अप, रफली करें लेकिन करें इसको। पूरी कंप्लीट कर लें फिर बताएं बच्चे। एहसन, साइड व्यूज को भी कंप्लीट कर लें फिर बनाएं।
मैं एक दो मिनट में आता हूँ भी हूँ, आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। अच्छा जी, बना लिए कुछ? बना है कि नहीं? सर एक मिनट दे रहे, बस बना रहे सर। ठीक है आप लें अपना टाइम लें। ओके जी एहसन। अच्छा अगर एहसन अब आप देखें ना, तो आपको इससे इस प्रैक्टिस से अंदाजा भी हो गया होगा कि बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क यू मस्ट नो हाउ टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टार्ट, ठीक है ना। तो आपने इस तरह स्टार्ट करना है कि आप देखें कि आपके सारे व्यूज जो हैं वो एक ही पेज पे भी आए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हों, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो आपके जो आपने राइट साइड व्यू बनाया है, ठीक है ना, तो इस काफी पेज के एंड तक ही पहुंचा है। तो नेक्स्ट जब आप
क्लियर बनाए तो आप इक्वली पहले से इसको अंदाजा लगाएं कि ये व्यू यहाँ पे आएगा और इतना इसके लिए डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, बाकी ठीक बनाए। जी गुलाम मुस्तफा आपने बनाया? सर बस कर रहा हूँ, कंप्लीट होने वाला। और किसने बना लिया तो दिखा दें। अच्छा ये अपने साथ संभाल के भी रखें, ठीक है ना, ताकि आप इसको फेंके ना। जी सारा आपने बना लिया? है बस थोड़ा सा रहता है। ठीक है, साद सऊद। ये सर मैंने वो फिगर पेज के सेंटर में बनाया तो सर अभी जगह बहुत कम है तो दोबारा बनाऊं कि क्या? ये नहीं नहीं दोबारा ना बनाए, इससे आपको अपनी गलती का तो पता चल गया ना कि नेक्स्ट टाइम जब आप ये व्यूज बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन से डील करेंगे तो आप को प्रॉपर आप एक साइड से शुरू करेंगे, डायरेक्ट मिड से नहीं शुरू करेंगे, ठीक है? यस सर, यस। ओके, बाकी नहीं बना तो कोई इशू नहीं है, दो व्यूज तो आपने बनाए हैं ना? यस सर। ठीक है, गुड। या सिकंदर, सर बस दो बना लिए हैं और तीसरा बना रहा हूँ सर, एक मिनट। ठीक, अच्छा जिसने बना लिया दिखा दे एक बंदा फुल, ताकि हम इसको एक दफा रिवाइज कर दें और इस सेक्शन को क्लोज कर दें और उसके बाद फिर मैं आपको थोड़े असाइनमेंट्स के बारे में बताऊं। मुराद आपने जितना बनाया दिखा दें। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा इसके साथ फिर आखिर में आपने लिखना भी है कि अगर लिखते हैं तो बेहतर है कि ये नीचे इसके टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। रेस्ट गुड। सारा आप भी ये जो आपने बनाया दिखा दें। एनीवन, गुलाम मुस्तफा अपनी फिगर्स दिखा दें कि जो आपने बनाई हैं, जो व्यूज बनाए हैं वो दिखा दें। सर अभी कंप्लीट नहीं हुई लेकिन जितना बनाया दिखा दें, जितना बनाया दिखा दें। कैमरे को इस तरह रखें कि तीनों व्यूज नजर आए और नेक्स्ट टाइम आपने एक ही पेज पे बनाने हैं, ठीक है ना? जवाद, मोहम्मद जवाद दिखा दे बच्चे, जो भी बनाया दिखा दे बस। हाँ गुड, शाबाश। अच्छा इसमें स्पेसिंग थोड़ी कम है, ठीक है ना, ये आपने पर नेक्स्ट में थोड़ा इसको देखना है। क्लियर? यस सर। बाकी किसी ने अगर बनाया दिखा दें, नहीं बनाया तो मैं आगे जाऊं। हाँ ये साइड गुड, ये ठीक बने, सही है, ठीक है, चलें। वेल, आज आप लोगों ने काफी अच्छा सेशन गुजारा और थोड़ी प्रैक्टिस भी आप लोग की हुई। इस तरह करता हूँ मैं, एक दफा इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है ना, क्विकली गो थ्रू कर देता हूँ। अच्छा शुरू हुआ था यहां से कि आपके पास क्वेश्चन था
कि आपको थ्री व्यूज बनाने हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यूज ऑफ 1.5 इंच नॉमिनल डाया, हेक्सागोनल हेड, नट, ठीक है ना। तो आपके पास डाया था, बेस ऑन दिस डाया एंड यूजिंग अप्रोक्सीमेट टेबल यू कैलकुलेट दिस वैल्यूज, ठीक है ना। जब आप कैलकुलेट कर लिया, फिर आपने टॉप व्यू बनाया। टॉप व्यू के लिए आपने क्या किया कि आपने हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस ड्रा की और उसके बाद एक सर्कल ड्रा किया और वो सर्कल था बड़ा सर्कल, ठीक है ना, जो जिसकी वैल्यू थी 60.15, ठीक है ना। और फिर उस पे आपने जो है वो हेक्सागोनल शेप को सर्कमस्क्राइब किया और उसको किस तरह सर्कमस्क्राइब किया कि आपने टेंजेंट्स लाइन ड्रा की अक्रॉस दीज सर्कल्स, ठीक है, और उनको ज्वाइन किया, आपके पास हेक्सागोनल शेप बन गई। उसके बाद फिर आपने एक सर्कल ड्रा किया जो कि नॉमिनल डायमीटर का, और उसको आपने हिडन लाइन से, ये सारे स्टेप्स थे, फिर हिडन लाइन से रिप्रेजेंट किया। फिर आपने डेप्थ जो थ्रेड्स की थी वो आपने ली, इज्यूम की, और उस बेस पे आपने माइनर डाया निकाला और माइनर डाया का जो सर्कल है वो ड्रा किया और फिर इसको शेडेड कर लिया। फिर उसके बाद आपने फ्रंट व्यू की तरफ आए, पॉइंट्स प्रोजेक्ट किए टॉप व्यू से, और आपने फ्रंटल व्यू का कुछ पोर्शन बनाया और उसके बाद रेडियस ऑफ चैम्फर जो आपके पास जो डिस्टेंस निकलता था उसको डिस्टेंस को लेते हुए यहाँ पे रेडियस ऑफ चैम्फर बनाए, ठीक है ना, दो। फिर उसके बाद जो है वो आपने इन रेडियस ऑफ चैम्फर के एंड्स को आपने प्रोजेक्ट किया और आपने यूजिंग टेक्निक ऑफ बाइसेक्टिंग अ लाइन यू परफॉर्म दिस टास्क एंड देन यू गेट दिस आर्क एज वेल एज दिस रेडियस सॉरी एंगल ऑफ चैम्फर, ठीक है ना। और आपने फिर ये अननेसेसरी लाइंस रिमूव की, ये आपके पास इधर रेडियस सॉरी एंगल ऑफ चैम्फर आ गया, ये आपके पास रेडियस ऑफ चैम्फर आ गया, और ये आपके पास फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। जो अन जो हिडन लाइंस थी वो आपने रिप्रेजेंट की। फिर आपने क्या किया कि आप टॉप साइड व्यू आई, तो साइड व्यू को बनाने के लिए आपने फ्रंट व्यू से जो लाइने हैं वो प्रोजेक्ट की, और प्रोजेक्ट करने के बाद आपके पास जो फिगर बनी, फिर उसमें आपने यूजिंग राइट बाइसेक्टर और जो टेक्निक थी जो कि आपने ऑलरेडी फ्रंट व्यू में इस्तेमाल की वो यूज करते हुए आपने रेडियसेस बनाए और हिडन लाइंस रिप्रेजेंट की, और साइड व्यू के जो जो आउटलाइंस थे वो आपने विजिबल लाइन से शेडेड कर दिए और जो नहीं नजर आ रहे थे वो आपने हिडन लाइन से बना लिए, ठीक है ना। और इस तरह आपके तीनों व्यूज जो है वो ऑर्थोग्राफिक व्यूज आपके बन गए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, ठीक है ना। सो अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ यू कैन आस्क। जी क्वेश्चन प्लीज। ओके आई थिंक यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन, सो लेट मी टर्न ऑफ द रिकॉर्डिंग एंड देन वी विल कंटिन्यू एंड आई शैल डेमोन्स्ट्रेट द असाइनमेंट्स एंड समथिंग अबाउट लैब रिपोर्ट्स। थैंक यू फॉर योर टाइम।